पहचाना मेरे को? मैं कप्पू का भाई चप्पू. चप्पू. सारा शहर जगमग जगमग क्यों कर रहा है? चप्पू, तेरे चश्मे पर लाइटें जो लगी है. ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी. आज मैंने हनीमून का काम शुरू किया है. मनाने का नहीं, मनवाने का. अच्छा. मैंने अपना चप्पू हनीमून ट्रैवल शुरू किया है. वाह. आपको पता है कल आपके हस्बैंड भी आए थे मेरे पास. उन्होंने हनीमून पैकेज बुक किया एक. अच्छा. आपका अकेले का वो नहीं जा रहे. वो कह रहे इसको अकेली को भेजो, मेरे से रोज झाड़ू पोछा नहीं होता घर का. वैसे ना हमारे यहाँ हनीमून की बहुत ज्यादा फैसिलिटी है. सपोज कोई लड़की आती है, उसके पास पति नहीं है, तो कंपनी के लिए मैं साथ जाता हूँ. उसे क्या ना, लड़की बोर भी नहीं होती. भला है, दो दुआएं देके जाती है. बहुत ज्यादा बिस्मर. वाव, वही बहुत बढ़िया. हेलो जी. हेलो. चप्पू हनीमून ट्रैवल. या जी. माय सेल्फ सुधीर, ये मेरी वाइफ है प्रिया. ओ हेलो सुधीर. हेलो बेबी. भाई साहब आपको शर्म नहीं आती, वाइफ है मेरी. अच्छा, तो बेबी को बेस पसंद हो सकता है, बेस को बेबी पसंद नहीं हो सकती. माय सेल्फ चप्पू, प्यार से मुझे लोग बेस कहते हैं. वेरी फनी. देखिए हमारी नई नई शादी हुई है अभी. नई नई हुई है? हाँ. थोड़ी पुरानी कर लेते, सस्ती पड़ जाती. एक मिनट भाई, सब ये पुरानी शादी क्या होती है? तो इसको समझाओ ना, सबकी शादी नई नई होती है. क्या बातें कर रही है, तुम्हें कोई ढंग की लड़की नहीं मिली? क्यों, क्या कमी है मुझ में? अरे नहीं, तुम तो बहुत प्यारी हो, हॉट हो. आई वाज जस्ट किडिंग. आप ना भाई साहब ज्यादा किडिंग ना ही करो तो बेटर है. अच्छा, तुम लोग हनीमून पे जाके किड कर सकते हो, हम इधर किडिंग भी ना करें. सॉरी भाई साहब, गर्मी बहुत ज्यादा है तो मैं बीच बीच में भड़क जाता हूँ. वैसे मैं बंदा ठीक हूँ. अच्छा. ये बताओ, तुम लोगों को हनीमून पे जाना ना? जी जी. ओके, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी. हाँ. तो तुम दोनों की शादी हुई है? हाँ. ये कैसा सवाल है? अभी अभी बताया ना आपको हमारी नई नई शादी हुई, और शादी के बाद ही तो हनीमून पे जाते हैं ना. अच्छा, शादी के बाद ही जाते हैं? हाँ. मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन देती रही आप. मेरे को कहती शादी के पहले भी जा सकते हैं. ओके, तुम दोनों करते क्या हो? जी ये हाउसवाइफ है और मेरी सरकारी नौकरी है. सरकार की नौकरी करते हो? हाँ जी. तो सरकार क्या करती है? देखिए मैं घर चलाने के लिए गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ. घर चलाने के लिए गवर्नमेंट जॉब करते हो? गाड़ी चलाने के लिए क्या करते हो? ये घर गाड़ी सब चलाने के लिए जॉब करते हैं. सब कुछ ये चलाता है? हाँ. तुम कुछ नहीं चलाती, काम चोर. आलसी कहेगी. मैं घर संभालती हूँ. घर क्या नशे करते बिगड़ गए जो घर को संभालती हो? भाई साहब आप पागल है क्या? अरे नहीं नहीं पागल नहीं यार, ऐसे मजाक कर रहा. गर्मी बहुत है, टेंशन के दिन चल रहे हैं बहुत ज्यादा. आपको पता है मेरा एक दोस्त है ना. हाँ. उसको हार्ट अटैक आ गया था. ओह, टेंशन की वजह से? टेंशन, उसकी बीवी ने फोन चेक कर लिया था उसका. देखा कितनी बार समझाया, मेरा फोन मत चेक किया करो. पर ये सभी लड़कियां मानती ही नहीं है. अरे तो तुम लोग अपने फोन में ऐसा कुछ रखते क्यों हो जो छिपाना पड़े? हाँ. और उसने फोन में ऐसा क्या छिपा लिया था कि उसकी बीवी ने चेक किया और उसको हार्ट अटैक आ गया? अरे जैसे उसका फोन चेक किया ना, उसकी बीवी ने ऐसे उसकी छाती पे ना ऐसे दोबारा डबल मुक्का बना के ना ऐसे बीच में पेंसिल डाल के उसकी छाती पे मारा. नो नो सॉरी सॉरी सॉरी, दैट वाज नॉट हार्ट अटैक, दैट वाज मर्डर. सॉरी, माय मिस्टेक. जिस सरकार ने तेरे को नौकरी दी ना, उसकी नौकरी छोड़ के छोकरी की नौकरी कर रहा है. देखिए आप एक तो मेरे पति से ना तमीज से बात कीजिए, समझे आप? मैं देखता हूँ दो साल बाद तुम कितनी तमीज से बात करती हो. सुनो मेरी बात. हाँ. जॉब कहाँ, बीएमसी में करते हो? नहीं नहीं, मैं बीएमसी में नहीं हूँ, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. इनकम टैक्स में? हाँ जी. किसी को बोल के मेरी इनकम बढ़वाओ ना यार.
भाई इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं हम? जब नहीं बढ़ा सकते तो जब हम कमाते हैं तो काटने क्यों आ जाते हैं लालची? कहाँ आप अपनी प्रॉब्लम्स लेकर बैठ गए? हम यहाँ आए हैं, हमें हनीमून पे भेजने के लिए कुछ कीजिए ना। तो मैं करता हूँ ना, कर रहा हूँ। तो बड़ी तुम्हें जल्दी है हनीमून मनाने की? कितने लोगों को जाना है? हनीमून पे सिर्फ दो ही लोग जाते हैं। जरूरी नहीं है, मेरे चाचा के लड़के की शादी थी, सारी फैमिली गई थी। अच्छा? हाँ, पूरी फैमिली हनीमून मनाने गई थी? नहीं नहीं, हम लोग यात्रा पे गए थे, उन दोनों को घर पे छोड़ के गए थे। क्या ना भाई साहब, घर भी अकेला नहीं छोड़ सकते ना, कोई पीछे से आना जाए। लेकिन फिर भी देख लो, छोटा मेहमान आ गया। बेबी, मुझे लगता नहीं है इस आदमी ने आज तक किसी को भी हनीमून पे भेजा है। अरे क्या बात कर रही है, मैंने अपने मम्मी पापा को भेजा ना हनीमून पे। मम्मी पापा को अपने कोई कैसे हनीमून पे भेज सकता है? अरे सब पैसे का खेल है मैडम, आप मेरे को पैसे दे दो, मैं आपके मम्मी पापा को भेज देता हूँ। आप हमें हनीमून पैकेज बताइए बस। 10 लाख का पैकेज है। 10 लाख? इतना महंगा? हाँ, उसमें क्या होगा? सबसे पहले तो ये होगा, जो तुम्हारा 10 लाख है वो मेरे बैंक में आ जाएगा। नहीं, हमारा मतलब है कि आप हमें कहाँ भेजेंगे? तो माउंट एवरेस्ट पे भेज देते हैं, उसके दो फायदे हैं। रिकॉर्ड भी बन जाएगा, हनीमून भी हो जाएगा। नहीं नहीं, हमें रिकॉर्ड नहीं बनाना है, हमें सिर्फ हनीमून मनाना है। हनीमून मना के भी रिकॉर्ड ही बन रहे हैं। एक एक करके 150 करोड़ होगी जनता। भाई साहब, 150 करोड़ नहीं है, 130 करोड़ है। कुछ लोग स्टेशन पे वेट कर रहे हैं गाड़ी का, वो भी जा रहे हैं हनीमून। कुछ लोग एयरपोर्ट पे हैं, वो भी जा रहे हैं हनीमून पे। कुछ लोग जो गए हुए हैं वो चेकआउट करके निकल रहे, तो ऑन द वे हैं 20 करोड़। बहुत अच्छे। मैं क्या बोल रही हूँ, हम बच्चे के लिए हनीमून पे नहीं जा रहे। वाह, माँ बाप इतनी उम्मीदों से तुम लोगों को हनीमून पे भेज रहे हैं कि घर पे कोई नन्ना मेहमान आए है और तुम लोगों के नखरे पड़े। अरे अभी हमारी भी लाइफ है, हमारे खेलने कूदने के दिन है। खेलने कूदने का दिन है तो ओलंपिक्स में क्यों नहीं जाते? खेलने कूदने का दिन है। वैसे आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू से। जम्मू से? तो ये नहीं कि जम्मू की लड़की को कटरा ले जाओ, वैष्णो माता ले जाओ, हनीमून लेके जाना इसको। आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? तुम भी तो जम्मू की लड़की कहाँ लेके जा रहे हो? एक लड़की को उसके मायके से दूर कर रहे ससुराल द्रोही। अब क्या करे, एक ना एक दिन तो लड़की को अपना घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। चल झूठी, मेरी वाली तो अपना घर छोड़ ही नहीं रही। क्यों? वो आपसे प्यार नहीं करती क्या? पता नहीं, उसका पति बात नहीं करने देता मेरे को। आप एक शादीशुदा लड़की पर नजर रखते हैं। और तो उसका पति भी तो नजर रखता है उसपे। अरे तो उसने उससे शादी किया ना। हाँ। तो मैं भी कर लूंगा ना। अरे पर आप एक शादीशुदा लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं? तुम यहाँ मेरी शादी करवाने हैं कि अपना हनीमून मनाने हैं? अपने काम पे ध्यान दो आप। अरे काम से काम रखने दें आप तब ना। हम कब से आपको बोल रहे कि कोई अच्छी हनीमून पैकेज बताए, आप बता ही नहीं रहे। हमें कहीं विदेश जाना है। खाओ पियो देश का, मजा लो विदेश का। इन जैसे लोगों की वजह से हमारे देश की जीडीपी गिर रही है। जीडीपी? हाँ। तुम्हें पता भी है जीडीपी क्या होती है? ऐसे पता तो नहीं है, न्यूज में आ रहा था कि गिर रही है। मेरे को तो डर है कोई गिरी हुई उठा ना ले हमारी डियर। अरे यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है। देखो पहले किसी बाबा के पास जाओ, दिमाग सही कराओ। अभी दिमाग खराब हो रहा है, हनीमून पे जाओगे नियत खराब होगी, उसके बाद बच्चे आएंगे जिंदगी खराब हो जाएगी। बता रहा हूँ, हमें अपनी जिंदगी खराब ही करनी है, आपको क्या मतलब? हाँ। अरे भड़क क्या रही हो, मैं तो ये पूछ रहा हूँ जाना कहाँ चाहते हो बताओ। देखिए मेरी बचपन से बहुत इच्छा थी कि मैं हनीमून के लिए ना विदेश जाऊँ। बचपन से माँ बाप तुझे भेज रहे स्कूल डॉक्टर बनने के लिए? तुम जैसे लोगों की वजह से देश में डॉक्टर कम हो रहे हैं, हनीमून ज्यादा हो रहे हैं। आप ना एक काम करो, देश की चिंता छोड़ो। हाँ। और ये बताओ, ये जो 10 लाख वाला पैकेज है ना। हाँ। ये थोड़ा महंगा है। महंगा है? कम वाला दिखाइए प्लीज। 5 लाख वाला ले लो। अच्छा, ऐसा हनीमून होएगा पब्लिक तालियां बजाएगी। हाँ।
हनीमून पे पब्लिक ताली क्यों बजाएगी? जन्मदिन पे लोग ताली नहीं बजाते? तुम जैसे लोगों की वजह से ना हनीमून सिर्फ दो लोगों का होके रह गया। अरे इसको एक त्योहार की तरह मनाओ साहब। त्योहार की तरह? जैसे इतिहास में होता था। इतिहास में क्या हुआ? अरे एक एक राजा की 300-300 रानियां थी। हाँ। वो क्या मुगलों के कपड़े डिजाइन करने के लिए रखी थी? क्या दिन थे ना वो? क्या मस्त लाइफ होती होगी उनकी। वाह क्या मस्त लाइफ हुई होगी उनकी। ये आजकल के लड़के हैं, आई टेल यू। एक दिन अगर लड़की को कॉफी पिलाने के लिए बाहर ले गए ना, तो दूसरे दिन इनके बाइक के पेट्रोल के पैसे नहीं बचते इनके पास। और इनको 300-300 रानियां पालनी है। बेबी मैं मजाक कर रहा था। कितने स्पॉन्सर हैं तेरे पास? एक भी नहीं है। अच्छा वाला करो, तेरे पास 4-5 आ जाएंगे। मेरे पास है। देखिए भाई साहब। हाँ जी। आपके पास कोई नॉर्मल हनीमून पैकेज है तो बताइए। कोई ठंडी सी जगह भेज दो जहाँ बर्फ गिरती हो। बर्फ चाहिए? बर्फ। हाँ। चाहिए। केरला चले जाओ। केरला में कहाँ से बर्फ आई? फ्रिज में। फ्रिज में बर्फ तो हर जगह होती है ना। हमारी फ्रिज में नहीं है, एक महीने से खराब है। कोई मैकेनिक है तो बता दो मेरे को। अरे यार हम तुम्हारा फ्रिज ठीक करवाने नहीं आए। कोई सस्ता सा पैकेज है तो बताइए। कितना सस्ता? बहुत सस्ता। हाँ पीछे चले जाओ। पीछे ना एक पीपल वाले बाबा हैं, उनके पास जाओ। वो बाबा हनीमून पैकेज देते हैं। बाबा पैक पागल है ये तुम्हारी बीवी है? बाबा पैकेज क्यों देगा? बाबा के जाके मन्नत मांगो कि बाबा हमें अमीर कर दो। बाबा तुम्हें अमीर कर देंगे, उसके बाद आना, फिर 10 लाख वाला पैकेज देंगे तुमको। मुझे नहीं लगता कि ये हमें कहीं बेच पाएगा। चलो यहाँ से चलते हैं। एक काम कर दूँ, तुम्हारे लिए व्हाइट हाउस स्वीट बुक कर दूँ? अच्छा भाई साहब ये ट्रंप मान जाएगा? तेरे लिए सोनी वाले नहीं मान रहे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया उनको। अच्छा ये बताओ यार कितने दिन का हनीमून चाहिए? 4 दिन। 4 दिन का? इतनी अच्छी बीवी सिर्फ 4 दिन? हाँ। 15 दिन तो मनाओ यार, तुम कैसे आदमी हो तुम? यार मुझे ना 7 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं तो सरकार पैसे काट लेगी। तो काटने दो ना, सरकार चुम्मियां थोड़ी देगी। अरे जो मिल रहा है अभी ले लो भाई साहब, बाद में सरकार से पेंशन मिलेगी, बीवी की टेंशन, जिंदगी नरक हो जाएगी। तो फाइनली क्या डिसाइड हुआ, हम कहाँ जाएं? बाहर में चले जाओ यार तुम लोग। अरे हम क्यों जाएं, तुम जाओ। अच्छा मैं अपना हनीमून बीच में छोड़ के चला जाऊं? अपना हनीमून कहाँ से होगी, हमारा हनीमून। हाँ। है वाह लड़की मिली तो दोस्त को भूल गए दोस्त। Excuse me, मैं तुम्हारा दोस्त कब बना? हाँ तो कब बनोगे, जब ये छोड़ के चली जाएगी? खबरदार उसके बाद मेरे पास आए तो। Excuse me, मैं इनको क्यों छोड़ूंगी, मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तू क्यों छोड़ेगी, सरकारी नौकरी वाला लड़का तू क्यों छोड़ेगी? हैं? अगर सरकारी नौकरी ना होती तो इस लड़के की तरफ देखती भी ना तुम। मैं सरकारी नौकरी के लिए इनके साथ नहीं हूँ। वाह उसने सरकार के लिए नौकरी कर ली, तुम सरकार के लिए इससे शादी भी नहीं कर सकती, धोखेबाज कहेगी। बेबी बहुत हो गया, चलो कहीं और चलते हैं। चलो वैसे कहीं और क्या चलते हैं, जानता हूँ मैं तुम जैसे लड़कों को, अच्छे घर की लड़कियों को कहीं और ले जाते फिर कहीं और निकल जाते खुद। पैसा निकाल नहीं रहा, हनीमून जाना है इनको। पैसे पैसे दो। पैसे? हाँ। ये लो पूरे 20,000। अभी इसमें कुछ कर दो यार अच्छा सा। इसमें 2,000 के नोट है, 1,000-1,000 के करके दे दूं? कैसा पागल आदमी है। अबे 20,000 रुपया तो आदमी गर्लफ्रेंड पे यूं खर्च कर देता है। हाँ तो गर्लफ्रेंड बदल भी तो सकते हैं। क्या कहा? कुछ नहीं, वो बेबी ये इतनी देर से कुछ भी बोले जा रहा है, तुम इसको कुछ कहने नहीं और मुझे कह रही हो। तो मैंने तुमसे शादी की, उससे शादी की है? तो इससे शादी की है, हनीमून तो नहीं हुआ ना अभी। आ? मेरे पास 2-3 ऑफर है सरकारी नौकरी के। कौन सी? इंडियन रेलवे में एज ए सिंगर की जॉब। रियली?
वो जो गाड़ी में बैठ के पत्ते नहीं जाते पर गए थी पर गए। अरे क्या मेरी बात सुन के ऐसे करके उधर चली गई। 500 का गल्ला रोज का तू साथ में आ जा, 1000 छापेंगे रॉक करेंगे। अरे नहीं गाना यार ट्रेन में, तुम बताओ सस्ते में कुछ हो सकता है? हाँ। हनीमून पैकेज कुछ कर सकते हो कि नहीं? ठीक है तुम दोनों को होटल में कमरे लेता हूँ, 2 कमरे लेने पड़ेंगे। हाँ। 2 कमरे क्यों, हमें तो एक ही चाहिए ना। अरे बाबा एक नहीं ले सकते, वो तो रेड पड़ती है पुलिस की। हाँ? तो अलग अलग सोओगे ना तो पकड़े नहीं जाओगे। अरे भाई अलग अलग सोएंगे तो फिर हनीमून कैसे मनाएंगे? तो अपने कमरे से इसके कमरे तक नीचे सुरंग खोद लेना। दिमाग खराब है क्या? मैं सुरंग क्यों बनाऊंगा? शाहजहां मुमताज के लिए ताजमहल बना सकता है और तुम इतनी सी सुरंग नहीं खोल सकते? इतनी सी तो है। मान ली तुम्हारी बात, हमने सुरंग बना ली। हाँ। लेकिन फिर भी पुलिस की रेट पड़ गई तो? हाँ। ऐसे कैसे पड़ जाएगी यार, ट्रेनिंग देंगे ना हम लोग, डेमो देंगे प्रॉपर। अच्छा मान लो मैं इधर आऊ, मान लो मैं हनीमून मना रहा हूँ, तो पुलिस बन के आओ। अरे के? मैं क्यों पुलिस बनूं? मैं हनीमून मनाऊंगा। हाँ, अबे हाँ। तेरे को इतनी आसानी से पुलिस की नौकरी मिल रही है? पुलिस की नौकरी के लिए लोग क्या क्या करते, तेरे को बस हनीमून मनाना, हनीमून मनाना। अरे आप हमें डेमो देने वाले थे, भाषण देने लग गए, डेमो दीजिए ना। चलो ठीक है मैं पुलिस वाला बन के आता हूँ। हाँ। तुम हनीमून मना रहे हो ठीक है? ठीक ठीक। हाँ। पहले दरवाजा तो बंद कर, तेरे को आग लगी हुई है। बेबी लाइट बंद कौन करेगा? ले भाई बंद कर रहा हूँ लाइट, पंखा, एसी सब। एसी वैसी नॉन एसी कमरा दिया तेरे को, एसी कहाँ से आ गया बीच में? अच्छा चल, नहीं नहीं एसी बंद नहीं किया, मना लूंगा नहीं मैं। मनाओ। अबे पहले मेरे को बाहर निकाल ना, मेरे सामने शुरू हो रहा है, पागल है तू? आप यहाँ जाइए। कहाँ? इस तरफ दरवाजा। ये दरवाजा है। अच्छा बोलो, ये बंद किया। ऑल द बेस्ट बेबी। क्या हो रहा है यहाँ, यहाँ क्या हो रहा है? एक मिनट, आप अंदर कैसे आ गए? मैं खिड़की से आया। आपको शर्म नहीं आती? मैंने तो पूरे कपड़े पहने, तू देख। देखिए सर, एक्चुअली हमारी ना नई नई शादी हुई है, हम हनीमून मनाए आए हैं, आप गलत समझ रहे हैं। गलत तो तू सोच रहा है, तभी होटल में आया, टुच्चे से होटल में आने के लिए किसने कहा था तुम्हें? हम क्या करें, हमें एक टुच्चे से ट्रैवल एजेंट ने यहाँ भेज दिया। वो टुच्चा, वो टुच्चा। 1000 रुपए जेब में नहीं, हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड भेज देता तुमको। चलो तुम दोनों को जेल होगी, चलो। अरे 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 ऐसे कैसे, एक मिनट आप नकली पुलिस वाले हैं? एक पुलिस वाले को नकली पुलिस वाला बोलने पे तुम पे एक और धारा लगेगी। चलो जेल, चलो। अरे जानू। हाँ। इससे पहले कि हमें पूरी तरह से पागल कर दे, चलो यहाँ से हम चलते। हाँ, चलो भी। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? ए, मैं क्या बोलता हूँ, तीनों चलते हैं हनीमून पे, रॉक करेंगे। अगर आपको हनीमून की इतनी ही पड़ी है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? सचिन चश्मा किसके पास है? अभी अभी तुम लोगों की शादी हुई, अब मैं भी करूंगा, शादी करते रह जाएंगे, हनीमून नहीं होएगा। पागल हो? अरे शादी हमारी हुई है। हाँ। तो हम मनाएंगे ना। एक आधार कार्ड पे 4 सिम मिल सकते हैं कि नहीं? तो एक शादी पे हनीमून के 4 लोग नहीं जा सकते? वाहरी दुनिया। अरे यार क्या वाहरी दुनिया, मैं तुम्हारी बकर बकर सुन के ना पागल हो गया हूं। अब तो मुझे हनीमून पे विश्वास ही नहीं रहा। रक्षाबंधन मना लो। बेबी क्या करें इसका? हनीमून छोड़ो, इसको मत छोड़ना। तुझे तो मैं बताऊंगा, इतनी बकवास करता। ओए ओए हेलो, शर्म नहीं आती अपनी बीवी के सामने प्राय मर्द को छूते हो? बचाओ बचाओ, मेरी इज्जत लूट रहा है। तेरी बचाओ, ए तेरी, पैसे निकालो, पैसे निकाल, मेरे पैसे नहीं, पैसे निकाल, पैसे निकाल, ए तेरी, पैसे निकाल, पैसे निकाल, पैसे निकाल,
अर्चना जी, आज के हमारे जो मेहमान हैं बड़े खास हैं। मतलब ये कह लीजिए कि इंडस्ट्री में अगर कोई आपको टक्कर दे सकता है डील डॉल के मामले में, तो यही एक अकेले इंसान है। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी हैंडसम एंड डैशिंग डूड जॉन अब्राहम। जॉन, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल। जब से ये नया सीजन आया तो जॉन पाजी पहली बार आ रहे हैं और आपको बहुत बहुत मुबारक हो रॉ के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जॉन, जब भी आते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कह यार जॉन आते हैं या अक्षय पाजी आते हैं ना, भाई ये सच्ची बात है। अभी देखना हमारी टीम ना सारी शूट के बाद थोड़ा थोड़ा जिम जाएंगे। उस दिन तो जाते हैं जिस दिन आपसे मिलते हैं, उसके बाद का पता नहीं। पता ही वैसे देख ही रहे हम। जॉन आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं, कमाल लग रहे हैं हमेशा की तरह, लेकिन मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं फिल्म में आपका क्या किरदार है। इस फिल्म में मैं बैंक एम्प्लॉई हूँ एक्चुअली, और हॉबी के लिए मैं थोड़ा बहुत थिएटर करता हूँ, और वहाँ से रॉ मुझे उठाती है। एंड देन द स्टोरी गोज कि मैं उस तरफ जाता हूँ पाकिस्तान में, और वहाँ क्या होता है वो स्टोरी आप आगे देखिए फिल्म में। प्लीज़ प्लीज़ गो एंड वॉच इट। और ये स्टोरी जो है ये रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। मतलब मेरी पर्सनली ये बड़ी फेवरेट होती हैं ऐसी फिल्में, और आज शूट के बाद मैं पहला काम यही करने वाला हूँ पाजी, ये देखने वाला हूँ। अच्छा आप सबने जॉन की जो पहली फिल्में देखी जैसे जिस्म, साया, पाप, दोस्ताना, इन सब में ना जॉन ने भर भर के रोमांस किया है। सडनली 2014 के बाद जब शादी हो गई ना, टाइटल चेंज हो गए, परमाणु, सत्यमेव जयते। तो भाई ये मतलब ऐसा क्यों, मतलब शादी के बाद रोमांस आपने एक्सक्लूसिव कर लिया है कि फिल्मों में नहीं करना है? नहीं, शादी के पहले भी लास्ट जो रोमांटिक फिल्म की थी मैंने वो अभिषेक बच्चन के साथ ही की थी। हाँ, उसके बाद अरे जॉन ना जब कॉलेज में पढ़ते थे शॉर्ट्स पहन के फुटबॉल खेलते थे ना, लड़कियां इनको बड़ा हैंडसम बोलती थी। ऑब्वियसली लड़कियों में डबल एक्सएल फैन फॉलोइंग है इनकी। डबल एक्सएल, हाँ मतलब डबल एक्सएल। फिर दोस्ताना फिल्म में जब इन्होंने पीले रंग की और डिशुम में पीच कलर की शॉर्ट पहनी ना, जिसको हम कच्चा बोलते प्यार से, लड़कियां इनको हॉट बोलती हैं। तो मैं भाई ये जानना चाहता हूँ कि जब सारी तारीफ कच्चों को ही मिल रही है तो इतनी बॉडी पे मेहनत करने की क्या जरूरत? दो नहीं मतलब दो ढाई दर्जन अलग अलग रंग के कच्चे क्यों नहीं ले लेते आप? नहीं नहीं, ये जो कच्चा है ना तभी अच्छा लगता है जब बॉडी अच्छी exactly. है। अच्छा ये ना ऐसे कई बच्चों का सवाल था, ये बोल रहे थे कि जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे मैं अमृतसर जाऊं तो सोचता हूँ कि यार अमृतसर जाएंगे वहां का फेवरेट खाना पीना कुलचे खाएंगे, या दिल्ली जाएंगे तो वहां पहाड़गंज का ये खाएंगे। आप जब घूमने जाते हो आप क्या सोचते हो कि मैं जयपुर जाऊंगा वहां का प्रोटीन शेक पीऊंगा? है ऐसा सोचते हो आप? परमाणु के टाइम पे हम लोग जैसलमेर गए थे जी, तो मैंने वो शेफ को कहा कि यहाँ पे क्या बनना है, वो गट्टा कड़ी। हाँ गट्टा कड़ी। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा प्रोटीन है। अच्छा। तो मैंने कहा अभी इसको कैसे बनाए, क्योंकि मुझे दिन में तो 200 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि अच्छा। मेरा जो बॉडी वेट है वो 100 किलो है। अच्छा जी। तो 100 किलो के लिए 200 ग्राम जरूरी होता है। अच्छा जी, ये हमें टेक्निकल चीजें नहीं पता। हाँ। अर्चना जी को तो फिर 300 लगेगा। तो ये सब हमें सोचना पड़ता है काफी कुछ। अच्छा। और अगर वो नहीं मिले तो अंडे खाते हम लोग दिन में 25, 30, 50 जो भी। वाओ। ये लाना चाहते हैं। एक्चुअली अभी जब जॉन आए भी ना, दो मुर्गे बाहर खड़े बातें कर रहे थे। एक सीनियर मुर्गा जूनियर को बोल रहा था, कहता यही है, कहता ये तो हमारा भरा पूरा परिवार था, सब इनके पेट के अंदर है। अच्छा भाई हमने ये भी सुना है कि आपको वैसे काजू कतली बड़ी पसंद है, लेकिन आपने बड़े सालों से खाई नहीं। हाँ 25 साल हो गए। What? खाई नहीं कभी आपने? नहीं, नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत पसंद है, मेरा सबसे फेवरेट मिठाई वही है काजू कतली बर्फी। तो भाई कई एक होता ना कि सुबह उठने को जब हम लोग उठते हैं। हाँ। तो एक होता है कि अपनी फेवरेट चीज खाएंगे। हाँ। या ये करेंगे, फिर आपको क्या चीज किक देती है लाइफ में कि आज उठ के एक तो शूट पे जाना है। हाँ। वो चलो आपका शौक है, पैशन भी है, और उसके अलावा एक चीज और, मोटरसाइकिल्स आवाज सुन के। तो काजू कतली की बात चल रही थी, काजू कतली से याद आया, अब वक्त है फिल्म रॉ में जॉन की को स्टार को यहाँ पे इनवाइट करने का। तो काजू कतली से याद काजू कतली मतलब बड़ी स्वीट है काजू कतली की तरह। काजू कतली की तरह। प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड मौनी। आप हमारे शो में पहली बार आई हैं,
जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आई हूँ. थैंक यू थैंक यू. अरे मौनी, ये यहाँ पे लड़कियों का सवाल है. वो कह रही थी कि सीधी मुद्दे की बात पे आते हो, कहते हमने स्टोरी सुन के हाँ की थी कि जॉन को देख के हाँ की थी. दोनों ना, लिटिल बिट ऑफ बोथ. वेरी गुड, माशाल्लाह बहुत. दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं आप फिल्म में. शुक्रिया. आइए, आपका स्वागत है. मौनी, ये क्या हो गया, आपको चोट लगी है? जी नहीं, वो ज्यादातर ये करते रहती है ना. एग्जैक्टली वैसे ही हुआ. सीरियसली, मतलब अभी ठीक है आप? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, रिकवर कर रही हूँ. अच्छा, खूबसूरत लड़कियों को हल्की सी चोट भी लगी है तो वो भी फैशन लगता है, मतलब कि कुछ है ना. ये बिल्कुल फैशन नहीं लग रहा, देखिए ऐसे. नहीं, हमारी नजर से देखो ना. हमें गॉड ब्लेस यू, आप स्वस्थ रहे हमेशा. अच्छा मौनी, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे था कि मौनी का नाम बड़ा अच्छा है, मौनी बड़ा यूनिक नेम है. मौनी का मतलब क्या होता है? मौनी हिंदी या बंगाली के एक शब्द मौन से आता है, जिसका मतलब होता है साइलेंस, वन हु डजंट टॉक एट ऑल. पर लड़कियों पे सूट करता है मौनी? मुझ पे तो बिल्कुल सूट नहीं करता. पर आप रियल लाइफ में मौन रहती हैं ज्यादा? बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, बहुत ज्यादा बातें करती हूँ जी. तो बचपन में जब पेरेंट्स ने रखा होगा उनको थोड़ी ना पता होगा कि बड़ा होके नाम अच्छा लगा था तो इसलिए उन्होंने रख दिया. नहीं, आप पे सूट भी बड़ा करता है. ये ब्लश करने लगी है, शी इज ब्लशिंग. अच्छा मौनी, पहली फिल्म आपने सबको बताया कि अक्षय पाजी के साथ पहली फिल्म गोल्ड में आपने देखा, दूसरी फिल्म जॉन के साथ. अच्छा, जिनकी बॉडी नहीं है फिर उनका कुछ नहीं है, मतलब उनके साथ कभी काम नहीं करेंगी? कि जिनके सिक्स पैक नहीं है लेकिन अरमान बड़े हैं उनके साथ, मतलब? ये बहुत गलत बात है. नेक्स्ट फिल्म जो आ रही है मेड इन चाइना, उसमें राजकुमार एक टमी को वो कर रहे हैं. अच्छा, ही इज एक्चुअली शोइंग अ स्टमक, सो उस किरदार के लिए उनको गेन करना पड़ा. बोलते राजकुमार पेट से है. अच्छा, राजकुमार को उन्होंने साइन किया और उन्होंने फिर नकली पेट बना के पूरा फिल्म के लिए दिखाया भी होगा. हमारे असली हमें क्यों नहीं साइन करते? कम से कम ऐसे करेक्टर के लिए तो हमें साइन कर ही सकते हैं. डायरेक्टर्स, यू आर वेरी रेसिस्ट. अच्छा, जॉन अभी बता रहे थे कि इस फिल्म में वो रॉ एजेंट बने हैं, जाहिर सी बात है जासूसी का काम है. मौनी, आपने कभी की लाइफ में जासूसी? स्कूल कॉलेज में एक्चुअली, जब दो लोग डेट करना शुरू करते हैं तो बाकी सबको पता होता है कि वो लोग डेट कर रहे हैं, सिर्फ उनको लगता है कि बाकियों को नहीं पता. एक्चुअली, तो एक रूम में बैठ के जैसे वो लोग मैसेज करेंगे, सो वो काइंड ऑफ फाइंड आउट करना या कौन किसको डेट कर रहा है, छोटी छोटी चीजें ऐसी. तो दोस्तों, ये बहुत ही सामाजिक हित में बड़ी ही अच्छी बात कही इन्होंने जी, कि ये वाकई कपल्स को लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, हालांकि सारे उन्हीं के देख रहे होते हैं. तो ध्यान से, ऐसी लड़कियां हर जगह आपको मिल सकती हैं जो आपके ऊपर नजर रख रही हैं. अच्छा खैर, मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं, आप लोगों में से कभी किसी ने जासूसी की है या करवाई हो पैसे दे के? जी मैम. मैंने जासूसी की है मेरे हस्बैंड की. आपने? यस. वाओ, हर कोई करता होगा, लेकिन मेरे शादी को 25 साल हो गए तो भी मैं कर रही हूँ. अभी भी करती हैं? मेरे हस्बैंड है ही ऐसे, क्या करूँ. आए हैं साथ में? आए ना. अच्छा भाई साहब, कैसे हैं? बस बढ़िया, मुबारक को, सरवाइव कर रहे हैं आप. अच्छा, तो क्या जासूसी करती हैं मैम आप? मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है. अच्छा, तो लड़कियां जॉब के लिए है हमारे यहाँ पे. हाँ जी. तो ऐसी एक लड़की इनके ऊपर ऐसी भी आज भी लाइन बहुत मारती है. लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, रॉ बन के खड़ी हूँ उनके पीछे. वाह, आज भी मैं जासूसी करती हूँ. तो आपको कैसे पता कि वो ये कर रही है? नहीं, वो क्या रहता था, मोबाइल में नाम किसी का, आवाज किसी की, ये सब होने लगा, फिर मैंने चालू कर दिया. नहीं भाई साहब, आप बिजनेस मैन है, यही सब बिजनेस है आपका. कैसा लगता है आपको, रॉ जैसी बीवी आपके घर में ही रॉ है? तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगा. क्या तारीफ, उन्होंने तो एक भी लाइन नहीं बोली आपकी तारीफ. क्या तारीफ की भाई साहब, आप खुश हैं जो भी हो रहा है समाज में आपके? हस्बैंड भी अभी खुश है इसके बाद. पर अच्छा, ये नोकझोंक चलती रहनी चाहिए ना, अदरवाइज फिर क्या टॉपिक रहा है? एक टाइम के बाद, शादी के बाद ना टॉपिक ही खत्म हो जाते हैं, फिर किस पे बात करें. अच्छा ये वाला, ये किसका फोन था क्या? अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, शुक्रिया. थैंक यू सर. और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम. हेलो सर. हेलो मैम. हेलो मैम.
My name is Asmita and मैंने मेरी best friend के boyfriend पे जासूसी किया। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास आई एंड शी थॉट दैट ही वाज डबल डेटिंग तो मैंने उन लोगों को बुलाया और मैंने उन लोगों को बोला कि तुम लोग बैठो मैं तुम्हारा फोटो लेती हूँ अच्छा और एक ऐप है जिसमें हम हैक कर सकते हैं तो मैं कौन सा कौन सा ऐप तो मैंने फोटो के बहाने लड़के का हैक किया एंड वी गॉट टू नो दैट ही वाज डबल डेटिंग एंड ही वाज चीटिंग मैं लड़के का तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन ऐसी लड़कियों से सावधान रहो अस्मिता आपने किसी की तो हंसी गायब की है उस बंदे की अभी आपकी फ्रेंड सेटल है किसी मतलब हो गया उनको मिल गया कोई वो सिंगल है और जब तक आप अपनी ऐप नहीं ना डिलीट कर देती वो वाली तो मुश्किल है उसको सिंगल ही रहेगी चलिए शुक्रिया अस्मिता परफेक्ट कैंडिडेट फॉर और कोई हमारे दोस्त अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो जी मैडम मैं अब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मेरे बेटे के ऊपर की जासूसी का अच्छा जी जी कितने साल का आपका बेटा अब तो 22 साल हो गए उसको अच्छा जी जब मैंने उसके ऊपर जासूसी की थी तब वो ग्रेजुएशन कर रहा था अच्छा जी और इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे इस बात का डाउट था कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या कॉलेज में अच्छा चॉकलेट डे वगैरह होता है कॉलेज में तो इसको चॉकलेट्स वगैरह बहुत सारी मिली थी डिब्बा भर के बहुत सारी लेकर आया था मैंने बोला क्या क्या है इसमें बस खाली चॉकलेट से बोल के इसने अपने कबर्ड में वो डिब्बा रख दिया छुपा कर अच्छा जब ये कॉलेज गया तो मैंने छुपके से वो डिब्बा निकाला तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे चिट्स थे बाकी तो नॉर्मल थे एक चिट थे जिसमें लिखा था यू नो हु आई एम कहाँ है आपका बेटा साथ में है अभी ये बेटा है क्या हाल अभी बड़ा काम धंधा अच्छा चल रहा है आपका डिब्बा भर के चॉकलेट कॉलेज में इवेंट्स होते थे तो काउंसिल में था तो लोग जानते थे और भेजते रहते थे मैं क्या कर सकता हूँ किसी ने चॉकलेट दिया आपको साथ में पर्ची दी आप घर भी ले आए तो आपको पता ही नहीं किसने दी नहीं ऐसा नहीं होता एक जगह पे सब एक साथ दे देते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉलेज ये तो दरगाह थोड़ी पे आपको चॉकलेट चढ़ा रहा है मतलब ये क्या बात है अभी सिंगल हो हाँ ऐसी सिंगल ही रहोगे अब अगर मम्मी ऐसी होगी तो सुन लिया माँ तो चलो बच्चों का ध्यान रखना ही चाहिए चलिए शुक्रिया मैम धन्यवाद थैंक यू ऑडिशन चल रहे थे तो उनको चाहिए था मैं इसलिए थोड़ा लेट हो गया टैलेंटेड बहुत है आपको पता 1.5 घंटे में 150 गाड़ियां धो लेता ये यार हमेशा आपने छोटी बात करनी होती कभी कोई बड़ी बात भी कर लिया करो चलो 3 घंटे में 300 गाड़ियां धो लेता है अभी ठीक है एक दिन इसको पूरा दिन मिल गया इसने रेलगाड़ी धो दी I believe in स्वच्छ भारत मैं तो साफ सफाई का इतना ज्यादा ख्याल रखता हूँ कि मैं बाथरूम भी इतना गंदा अपना मैं ना जॉन जी मैं आपको बताऊं ये बोल रहे हैं कि साफ सफाई करता है मैं सच्ची साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखता हूँ मैं तो इतना ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखता हूँ मैं बाथरूम में जाता हूँ कुछ गंदा करके ना तो वैसे आ जाता हूँ झूठ बोल रहा है बाथरूम है नहीं इसके पास इसने कुत्ता रखा हुआ है उसके बैठ के नहाता है उस पे बैठ के हाँ तो इसके दो फायदे हैं ना इसी बहाने कुत्ता भी नहा लेता है आई बिलीव इन सेव वाटर और साथ में साबुन की बचत भी हो जाती है तो अपने साबुन से नहाया करना कुत्ते के साबुन से कौन नहाता है यार कुत्ता साबुन ट्रेन इतनी खूबसूरत लड़की पास में बैठी है ये बातें अच्छी लगती हैं आपको जॉन सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जैसे आपने फोर्स फिल्म में वो मोटरसाइकिल उठाया था ना मैंने भी अपने गांव में मोटरसाइकिल उठाया था सारा बता हाँ जी एक मोटरसाइकिल 3 सिलेंडर 2 सोने की चेन उठाई थी और फिर वहां के लोकल पेपर में ऐसे करके फोटो लगी हुई थी इसकी सारा अच्छा दोस्त मीडिया में आ क्या जाए दोस्त जलने शुरू हो जाते हैं मैं ना इधर वैसे किन बातों में पड़ गया मैं तो बड़े खास मकसद से आया हूँ इधर साहब बता ना उधार मांगने आया उधार नहीं मैं अपने प्यार के लिए आया हूँ मौनी जी मुझे प्यार हो गया है मौनी से नहीं नहीं ये तो मेरी रेंज में नहीं है ये मेरे दोस्त की बात अच्छी ईमानदारी पूरी अपने लेवल का पता है इसको क्या लेवल का पता है हाँ
आपको पता है लड़कियां मेरे बारे में क्या बातें करती हैं? क्या बातें करती हैं? कहते जब धर्मेंद्र जी नए इंडस्ट्री में आए थे ना, बिल्कुल मेरी तरह दिखते थे वो। जॉन, हम दो मिनट के लिए कैमरा बंद करा देते हैं, आपको अगर पीटना पीट सकते हैं इस बात ये बात तूने बोली कैसे? यार मेरी बात सुना, क्यों दो भाइयों के बीच में फूट डाल रहे हो? जॉन और तुम भाई। अच्छा मेरी दादा, दो तलवारें उबाल के लाओ। मेरी बात तो सुन लो, कैसे भाई है मैं बताता हूँ। हाँ। हमारे शौक सेम है, जैसे ये भी जिम जाते हैं, मैं भी जिम जाता हूँ, लोग गुरु भाई होते हैं, हम जिम भाई हैं। अच्छा। आपको पता है जॉन ये जिम पता क्यों जाता है? वहां पे जो लड़के बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते ना, उनको जाके बोलता है आपने तो एग वाइट ही खाना है, पीली गोली तो आप फेंक देते हो। तो बोलता है हमारी कंपनी है, हमारे को रिसाइकिल करते हैं, सारी पीली गोलियां इकट्ठी करके ना पानी डाल के पीता है बाद में ये। हाँ तो चीनी डाल लो, कस्टर्ड जैसा फील आना शुरू हो जाता है। नमक डाल लो तो कड़ी। चंदू तू एक काम कर जी, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र ज्वाइन कर, जो बुढ़ापे में लोग पढ़ाई नहीं करते जो। हाँ जी हाँ जी, कॉलेज की उम्र तो तेरी निकल गई। कोई बात नहीं, प्यार की उम्र तो बाकी है ना अभी भी। प्यार बड़ा होता है इसको, काम धंधा है नहीं इसके पास तो ना हो काम धंधा, जायदाद थोड़ी हमारे पास। हमारे गांव में 10 बीघे जमीन है, 2 पुश्तैनी मकान है, पैसा बहुत है मेरे पास। अरे जिन लड़कों का करियर नहीं ना बनता वो फिर ऐसी बातें करते हैं। चंदू लड़कियां सिर्फ पैसा नहीं देखती। मेरे को तो जितनी मिली है सारी पैसा ही देखती थी। अगर ना पैसा देखती होती ना तो गवर्नमेंट पिंक कलर का नोट ना छापती। ये बेवकूफ है, इसको बताओ जरा, जरूरी नहीं होता कि पिंक कलर लड़कियों के लिए हो। जयपुर पिंक सिटी है तो वहां पे सिर्फ लड़कियां घूमती है। बच्चन साहब ने पिंक फिल्म की है तो वो क्या कोर्ट में स्कर्ट पहन के दलीलें दे रहे थे? यार बात तो तुम सही कह रहे हो, कल मेरे डैडी ने भी पिंक कुर्ता पहना था। कुर्ता होता ना तो उसके नीचे पजामा भी होता, वो तुम्हारी मम्मी की मैक्सी पहन के घूम रहे थे। यार ये मेरे मम्मी डैडी का प्यार है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? और मेरे प्यार के बीच में भी नहीं तुमने बोलना, ठीक है? मैंने कब बोला? जॉन सर, इधर एक लड़की रहती है बुरी, तो मैं उसको आज इजहार करना है, तो बॉल मारूंगा देखना एक इशारे पे आएगी बाहर। हा? लेकिन आपने मेरा साथ देना है, ठीक है? किसने बॉल मारी है? ओ हाय मोनी, हाय कपिल, हाय जॉन सर। जॉन सर आप बॉल मार के फेंक रहे मुझे बुला रहे, क्या बात, मैं ऐसे ही आ जाती सो। इधर जॉन सर ने नहीं, इधर तुम्हारे होने वाले जानू ने तुम्हें बुलाया है। जानू, तुम्हारी मैं जान ले लूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो? चप्पल क्यों उतार रही हो? इधर हमने कौन सी पूजा रखी है? जब मैं जूते उतारो तब अपनी बहनों को कहना मेरे जूते चुरा लो। अच्छा, मतलब बहनी जूते चुराए फिर उसे वापस दे जिससे तुमने चुराए, वाह क्या बात है जूते चोर। मैं जूता चोर हूँ तो तुम क्या मंदिर में माथा टेकने के लिए जाती हो? तुम भी तो जूते चुराती हो। हा? ये देखो दो चोरों की मीटिंग हो रही है। हम एक मोहल्ले में दो दो चोर रहते, तुम लोग अपना एरिया क्यों नहीं बांट लेते? देखो अभी से बांटना शुरू कर दिया है, मेरा घर बस रहा है, ये बंदा मेरा घर नहीं बसने दे रहा। घर उनके बसते जिनके घर हूं। ये पता क्या करता है, फुटपाथ पे 3 बड़े बड़े ट्रक के टायर ना बिछा के, एक टायर पे सर रख लेता, दूसरे पे कमर, बाकी पे पैर। आप यकीन नहीं करोगे उस पे सोता है। एक बार तो मेहमान आए, कहता अगर आपका रुकने का मूड है तो बताओ, सामने गाड़ी खड़ी, आपका बेड बना देता हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? आपको शर्म नहीं आती लोगों के बेडरूम में झांकते हुए? अरे ओपन एयर बेडरूम है तो लोग तो झांकेंगे ना। ओए हाय बुरी, तुम थोड़ा सा बोलो तो सही, तुम्हारे लिए 5-स्टार रेस्टोरेंट बना दूंगा मैं। जॉन सर ये आदमी ना लंगर में खाना खाता है। हाँ जी। चले बड़े 5-स्टार होटल बनाने मेरे। मैं लंगर में खाता हूँ, ये तो अंबानी के साथ डिनर करती है रोज ही। जो वाहियात बातें तुम करते हो ना, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और अगर की शादी तो किसी अच्छे लड़के से करूंगी। लेकिन अच्छा लड़का तुमसे क्यों करेगा? चलो। क्यों आप... नहीं करेगा? मोनी की तरह मैं भी बंगाल की ब्यूटी हूँ, क्यों नहीं करेगा? थैंक यू।
मौनी ठहरी बंगाल की ब्यूटी, तू बंगाल की झूठी. होली वाले दिन ना मुंह पे रंग लगा के अपनी गली के हलवाई को बोलती, अंकल पहचाना? कहते नहीं, ये दल्लट उठा के भागी. अच्छा बुरी वैसे एक बात है, इतनी चीजें चुराती रहती है, इतना सा मेरा दिल है वो भी चुरा लो, मैंने कौन सा किसी को बोलना है. चुरा लो. देखो मेरे दिमाग में क्लियर है, मुझे लड़का जॉन सर जैसा चाहिए, लाइक बॉडी बिल्डर. बिल्कुल नहीं. ओए ऊ वाली कोई बात नहीं है. अरे बिल्कुल. और बॉडी बिल्डर चीटर होते हैं. मेरा एक दोस्त है बॉडी बिल्डर, वो कहता संडे को मेरा चीट डे है. बताओ जो संडे को बंदा चीट कर रहा है वो ऑफिस डे में क्या क्या करता होगा. थोरी तुम बस एक बार हाँ कर दो तुम्हें मैं पूरा बॉम्बे घुमाऊंगा. सिर्फ बॉम्बे घुमाओगे और कुछ नहीं? ना तो ये पैदल घुमाएगा, सारी उम्र तो बॉम्बे में निकल जाएगी तेरी. देखो बुरी मेरी बात सुनो, तुम कप्पू को पसंद करते हो ना, तुम शादी के बाद इसके साथ घूमने चली जाया करना. मैं माइंड नहीं करूंगा. तुझे शर्म नहीं आती? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, ये तो कॉर्पोरेट का असूल है ना कि जब तक डील ना फाइनल हो जाए आप ऑफर दे रहो. और मेरी बात सुनो, अगर मैं हाथ से निकल गया ना तो फिर हाथ मलती रह जाओगे तुम. बात तो वैसे ही मलती, बिना जर्दा मले उसका दिन नहीं शुरू होता. खबरदार अगर मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोला तो. खबरदार बीवी का तो. अरे बुई, दो मिनट के लिए समझ लो कि तुम इसकी बीवी हो. सर आप फंसा रहे हो मुझे. सर सर थोड़ा 5 मिनट तो बोलो, 2 मिनट तो कुछ नहीं बनेगा. ओए होए, आपने दिल जीत लिया सर, थैंक यू सो मच. चलो अब समझो हमारी शादी हो चुकी है और मैं सोया हुआ हूँ, तुम मुझे उठाने आती हो ठीक है? सर आपने बहुत फंसाया मुझे. ए 5 मिनट वाला हस्बैंड उठो, सुबह हो गई है, उठो. डाल लेंगे भी, रुको ना. पति के साथ ऐसे बात करते हैं? जाओ चाय लेकर आओ. चाय और मैं बनाऊंगी, अपनी माँ से बनवा लो. हाँ नहीं तो अब संस्कार है, संस्कार है. अभी मम्मी के प्यार को भूली नहीं है. मम्मी के हाथ की चाय पीनी है इसने ना. माँ नहीं, एक्चुअली तुम बनाओगे चाय, हमेशा औरतें क्यों चाय बना. चलो चाय बनाओ. कोई बात नहीं, ये तो प्यार है. ये लीजिए चाय. थैंक यू. थैंक यू नहीं, 15 रुपए तो लंगर ने लगाया इधर. कौन सा पति अपनी पत्नी से चाय के पैसे लेता है? यार मेरी बात सुनो, रिश्ता अपनी जगह, धंधा अपनी जगह है ना. बाहर में गए तुम और तुम्हारा रिश्ता. वेरी गुड, ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करना है ताकि मैं ना शादी के बाद बिगड़ ना जाऊं. और मैं चाय बना लूंगा, तुम मेरे जूते पॉलिश कर देना. तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं. चले बड़े जूते पॉलिश करवाने. अच्छा मैंने गाली एक्सपेक्ट की थी, इसने सिर्फ टांगे की बात की है. क्या बात है, इतनी संस्कारी लड़की. कपू मेरी तरफ से हाँ है. एक एडवाइस है, तुमको सच में शादी करनी है ना, सर से इंस्पायर हो, कुछ सीखो, सर जैसी बॉडी बनाओ कुछ. तुम भी फिर मौनी जैसी खूबसूरत होकर आओ ना. अच्छा वो कहती है जॉन जैसा बन के आओ, वो कहता मौनी जैसी, ये तो फिर दोनों की तरफ से ना हुई ना. होना कुछ भी नहीं है बेटा, गर्व तुम दोनों का. दबा जाओ इधर से, टाइम वेस्ट कर रहे हमारा. जा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया सारा ही. मैंने टाइम वेस्ट किया सारा. जाओ जॉन. मौनी आपकी फिल्म जो है जासूसी पे है, और जासूस लोग होते हैं ना जो कोडवर्ड बड़ा इस्तेमाल करते हैं, और खास तौर पे पहेलियां बूझने में तो माहिर होते हैं. मैं आप दोनों को कुछ पहेलियां बूझता हूं, आपको बताना है कि मैं क्या, उसका मतलब क्या है. वो कौन है जो भिखारी नहीं है लेकिन पैसे मांगता है, लड़की नहीं है लेकिन पर्स रखता है, पुजारी नहीं है लेकिन घंटी बजाता है. कोई नहीं बोलेगा. हाँ, बस कंडक्टर. वेरी नाइस, ही इज अ रियल रॉ एजेंट. ऐसी कौन सी जगह है जहां सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं है, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं है, शहर है लेकिन घर नहीं है? एक बार और बोलेंगे सवाल प्लीज. ऐसी कौन सी जगह है जहां सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं है, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं है, शहर है लेकिन घर नहीं है? I don't know, you know? मैंने भी पूछा था, जिन्होंने मुझे देख के दिया ना, मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने बताया कि नक्शा.
Map. अच्छा last. Map. खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर जलसी नहीं. जलती है पर? जलसी नहीं. बताओ क्या? जलती है पर जलसी नहीं. हाँ. There is a fragrance, but that is not a flower. कागज के फूल. He is burning, she is burning, but not jealous. कागज के फूल, no. पाठ पूजा करती हो आप? अगरबत्ती. 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 Okay, last one. Public की demand पे. चुनाव है. पर खड़ी नहीं हूँ. टिकट नहीं मिला, लेकिन बैठे-बैठे भी खुश हूँ. बताओ कौन हूँ मैं? हर. 100 marks. तू हर चुना? नहीं, बिल्कुल सही बोला. जॉन, आपने रॉ में कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट भेस बदले, आपने अलग अलग गेटअप्स लिए हैं, कोई आपको पहचान नहीं पा रहा इजिली. तो हमें पता है कि जॉन अब्राहम है फिल्म के हीरो, तो हम पहचान लेते हैं. अदरवाइज हम देखना चाहते हैं कि आप अपने मौनी के साथ फिल्म किए तो कितनी जासूसी आ गई आपके अंदर. आप कैसे, अगर हम आपके आंख पे पट्टी बांध दें तो मौनी के साथ दो तीन लड़कियां और खड़ी कर देंगे. आपको पहचानना मौनी कौन सी है. हाथ पकड़ सकते हैं आप. तो ये खड़ी हैं लड़कियां, जिनमें से एक मौनी भी है, और आपको पहचानना है तो कौन है ये. तो मैं टच कर सकता हूँ? सिर्फ हाथ टच करने हैं आपको. लड़की थोड़ा आप खुद भी हाथ दे दो, मतलब. अच्छा, सबके राइट हैंड आगे. राइट हैंड नेक्स्ट. ये क्या क्या ये? ये क्या है? सबके हाथ में पट्टियां भी लगा दी. बस यू डन 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 डन. मोनिका है. कम मॉर्निंग, पर देख लो ईमानदारी है बंदे की. वो लगाया भी था हमने. फिर well done. आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू. बंगाल वाली लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? आपको अलग से सब्सिडी मिलती गवर्नमेंट की तरफ से? क्या खाती क्या डाइट क्या आपकी? मैं दोनों की जानना चाहता हूँ, बिकॉज जॉन सर की जो बॉडी है उसके बहुत फैंस हैं, आपकी ब्यूटी, मतलब ऐसे ही जानना चाहते हो. किसी का भला हो जाएगा, गरीब आदमी का कुछ. क्या खाती हैं आप सुबह उठ के? मैं नॉर्मल घर का खाना खाती हूँ. नहीं, मतलब घर में तो पराठे भी बनते हैं, वो तो नहीं खाती होंगी आप? हाँ, खाती हूँ. पराठे खाती हैं आप? कहाँ जाते हैं पराठे फिर? मतलब ये को, मतलब हम तो आधा पराठा खा ले तो हमें देसी घी की तरह लगता है. लेकिन एक बात बोलूँ मैं कपिल, आप किसी भी लड़की से पूछे जी बॉडी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, एडुकेटेड है लड़का, लड़का बहुत अमीर है, उसकी बॉडी अच्छी, जो भी, सबसे एक्सेप्शनल क्वालिटी जो ढूंढते लड़के में इस सेंस ऑफ ह्यूमर जो तुम्हारे पास है. भाई, लव यू, थैंक यू. सीरियसली, तो इनफैक्ट अगर मैं लड़की होता ना, आई वुड फॉल फॉर समवन लाइक यू. लड़कियों, सीखो कुछ. पर भाई, मैं एक बात बोलूं, खाली बोलती हैं लड़कियां सेंस में, लड़का उनसे मिलती भी है पर ये बोल देती वेरी फनी, सो क्यूट. मोनित, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जैसे अर्चना जी कॉमेडी शोज करती हैं, ये कहीं भी जाती है ना, लोग बोलते हैं मैम आप बहुत अच्छा हंसती हैं, प्लीज एक बार हंस के दिखाइए ना. आपको कभी आपके फैन बोलते मैडम डस के दिखाइए ना? कसम से, वैसे आप मतलब ऐसी नागिन हो ना, मैं तो डसवा डसवा के नीला पड़ जाऊं. अच्छा मौनी, एक बात बताइए, अगर सच में ऐसा कुछ होता, अगर आपको सुपर पावर मिलती, आप इच्छाधारी होती कि कोई भी रूप धारण कर सकती हैं आप, तो क्या करती? अगर मुझे मुझमें शेप शिफ्टिंग का की पार होती तो मैं ऑड्री हेपबर्न बनना चाहूंगी. क्या बनना चाहती? क्या जी?
ऑड्री हेपबर्न. ऑड्री हेपबर्न बहुत बड़ी हॉलीवुड की सुपरस्टार रह चुकी हैं और बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत. अच्छा जी जी जॉन सर, अगर आपके पास ऐसी पावर आ जाए कि आप कुछ भी बन सकते हैं, किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, तो आप क्या बनेंगे? मैं कपिल शर्मा बन जाता. बहुत बहुत शुक्रिया. क्योंकि क्योंकि शादी के बाद भी मैं फ्लर्ट कर सकता था. हाँ. भाई मैंने शादी के पहले भी जो मतलब किया, मतलब ऐसे बोल नहीं देता हूँ कोई, मतलब ऐसे आउटपुट कुछ खास निकला नहीं है. अच्छा जी, आप अगर इच्छाधारी बन जाते आप क्या करती? मैं ना आज की तारीख में ना मैं नवजोत सिंह सिद्धू बनती, क्योंकि क्योंकि काम मैं वही करती जो अभी कर रही हूँ, लेकिन पैसे डबल मिलते मुझे. अच्छा वैसे ना जॉन इतने हैंडसम है ना कि हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते आगे चल के, पता नहीं कोई कास्टिंग डायरेक्टर वैसा कर भी ले, इनको बोले कि आप अपनी बॉडी वैसी बना लो कि आप थोड़े वो दिखो, कि जो होता ना अपनी पुरानी फिल्मों में होता था गरीब हीरो होते थे पहले. तो हमने आपके लिए एक छोटा सा रोल प्ले तैयार किया है. मौनी जो है वो अमीर ठकुराइन बनेंगी जो लगती भी है. आप हैं गरीब किसान जो नहीं लगते, जिसकी बहन की शादी है और वो ठकुराइन से कर्जा लेने आया है. मैं आपकी बहन बन जाता हूँ फॉर योर सपोर्ट. ठीक है सर? ओके चलिए लाइए. ये है तो गरीब भैया का गमछा. हाँ. और ये बहना का दुपट्टा. चलो इस साइड से चालू करते हैं. आज मैं ऊपर. हम आ रहे हैं ठकुराइन की हवेली. अच्छा हाँ चलो मेरा हाथ पकड़ो. चलिए ना भैया. रेडी? चलिए ना भैया. ठकुराइन क्या है धनिया बोलो. धनिया? मेरा नाम तो पुदीना है, धनिया इसका नाम है. हमारे पास तुम जैसों का नाम याद रखने का वक्त नहीं है. बताओ क्यों आए हो? जी ठकुराइन हमें क्या बताएं, हमें कर्जा चाहिए. उनकी शादी हो रही है और पूरे जो फसल है वो पानी में बह गए. गाय भी सांड के साथ भाग गई है. जो सिक्स पैक मैंने बनाए वो दो ही रह गए अभी. तो थोड़ा कर्जा मिलेगा? रहने दो भैया, मैं भाग के शादी कर लूंगी. अरे भागने के लिए 500 कैलोरी चाहिए, उसके लिए प्रोटीन्स लगते हैं, कार्बोहाइड्रेट लगते हैं, मल्टीविटामिन्स लगते हैं, उसके लिए पैसे नहीं है. ठाकुराइन पैसे दे दो ना. ठीक है पैसे तो मैं दे दूंगी, पर तुम्हारी इस बहन को नाचना गाना आता है? क्या नाचती है ये? मतलब उसको नाचते हुए देख के फसल जो है ना खड़ी हो जाती है. चलो चलो नाच के दिखाओ. नाचो. हम तो आपकी गरीबी की एक्टिंग देखना चाहते थे. आप तो हमारे मुजरे देखने पे उतर आए. थैंक यू जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, अगर आप जॉन को किसी गरीब हीरो के रूप में भी कास्ट करना चाहें तो ये बहुत अच्छा करेंगे. आपको अभी अभी सबूत मिला है सर. थैंक यू. भाई आपके मौनी आपके यहाँ पे फैंस हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं. आप लोग जो भी आपके मन में है आप पूछ सकते हैं. जी मैडम. हेलो कपिल सर. हेलो मौनी मैम. हेलो जॉन सर. आई एम अ बिग फैन ऑफ जॉन सर. एक्चुअली मैं मेरे हस्बैंड के पतले शरीर को लेके बहुत परेशान हूँ. पतले शरीर को आप कुछ ऐसे टिप बता दीजिए जो उनको थोड़ा सा तंदुरुस्ती हो जाए. मतलब तंदुरुस्त है. शादी का 14 साल हो गया, बंदे का पाव किलो नहीं बढ़ रहा है. खाने पीने के लिए अच्छा दो, पाव किलो क्या, जो किलो खाती हूँ वही खाते. मैं बढ़ रही हूँ वो नहीं बढ़ रहे. पहले वो एक डीवर्मिंग का मेडिसिन आता है वो ले लीजिए. वो बहुत जरूरी है. सर एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे घर में क्या होता है, पूरा डाइट फूड बनता है. शुरू होता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ओट से शुरू होता है और खत्म होता है शाम का बॉइल्ड वेजिटेबल से. तो उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप हेल्दी रह सकते हैं इंटरनली. अरे तो अच्छी बात है. मतलब आप क्या चाहते हैं कि वो बड़े बड़े बाइसेप वो वाला सीन? नहीं नहीं वो बड़े बाइसेप से तो खास, ये बहुत अच्छा है. हाँ फिट. थैंक यू. और भाई साहब बाइसेप बना भी लोगे ना जो पत्नी होती हैं
उनको कोई ना कोई कंप्लेंट रहेगी। 100% भाई सब बना लोगे फिर कहेंगे इनकी मुझे सीधी नहीं आ रही, थोड़ी टेढ़ी करवा दो। तो ये इग्नोर करने का। आप दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू, बहुत अच्छे हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। जय हिंद कपिल पाजी। आई एम हैरी डागर और मैं एक सोल्जर हूँ इंडियन मिलिट्री का। ओके। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जॉन सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे जैसा हर सोल्जर इस देश का इनका फैन है। अच्छा। एक साल पहले सर मैं करीब बहुत मुश्किल से ऑफिस और घर का पता ढूंढा सर। तीन दफे इनके ऑफिस के बाहर गया, दरवाजे से वापस आया। चौथी दफे पता नहीं कैसे सर को पता लग गया कि एक सोल्जर इनके वहां पे आया है। अच्छा। और इन्होंने अपना स्टाफ भेज के खुद गेट पे आए और मुझे बुलाया, अंदर लेके गए, कॉफी ऑफर की और फोटो भी करी। शायद अगर सर आपको याद है तो हरीश अंजुमन में आया था इनके पास में। बहुत अच्छा इन्होंने मेरा दिन बना दिया था उस दिन और मुझ जैसे हर सोल्जर का। मैं दिल से थैंक्स करता हूँ सर उस दिन का। और अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सोल्जर मैं गाने लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ। अच्छा जी। और पोएट्री करता हूँ सर। वाह। और एक दूसरी खास बात जो है सर, एक गाना मैंने लिखा है। अच्छा। और उसको ऑडियो भी मैंने रेडी कर लिया है और जुनून ये है कि उस गाने में कपिल शर्मा को मैं कास्ट करूंगा सर। एज ए मॉडल? यस सर, एज ए मॉडल सर। गिनी मैम के साथ में, बिकॉज जो लिखा है वो भी बिल्कुल इसी तरह से लिखा है जैसे आपकी और मैम की स्टोरी रही होगी। अच्छा। जैसे प्यार स्टार्ट रहा होगा मेरा तो और गिनी को। जी जी। तो आप हमारे फैन हैं कि मुफ्त में कास्टिंग करने जाते हैं? नहीं नहीं सर, मैं तीन महीने बाद रिटायर हो रहा हूँ सर, और जो कमाई मुझे मेरी मेहनत से मिलेगी 15-17 साल की, वो पूरी चेकबुक में आपके। अरे आई लव यू सर, आप हुक्म करें। My God, यार, John जी, hi, how are you? नमस्ते, myself बच्चा, my God sir, please sit, 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 sit. Oh, oh, what a body, यार. Oh, what a body. Sir, हमको भी ऐसा body बनाना है. कपूर शर्मा, हमको 5 दिन दीजिए. 5 दिन के बाद कन्फर्म आपको बता देंगे हमारे बस का नहीं है यार, हमसे नहीं होने वाला ये सब यार। वैसे सर एक बात बताइए, आपने अपना पिक्चर रॉय रिलीज कर दिया, पकने नहीं दिया? अबे रॉ फिल्म का नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हमें लगा कि यार रॉ रिलीज का खट्टा खट्टा ना लगे कहीं। लेकिन सर ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट रहा, आपकी पिक्चर रॉ, I got you raw mango. Raw mango. My gift to you. Thank you. वैसे सर, myself बच्चा यादव, हमारा यहाँ पे तबेला है, you know, हमारा I'm into designing milk. जी. Designing milk? मतलब सैम जी यार, ये मोनी जी, आपके लिए हम fresh अपने तबेले का दूध लेकर आए हैं. For you. Thank you. अब बच्चा मेहमानों को दूध कौन पिलाता है? चाय कॉफी कुछ पूछ ऐसे जूस? आपने कभी किसी नागिन को चाय पीते देखा है क्या? नागिन हैज टू ड्रिंक दूध ओनली। वैसे सच बताइए, मतलब टीवी पे काम करके जितना मजा आता है उतना फिल्मों में नहीं आया होगा ना? क्यों? क्योंकि फन तो टीवी पे ही था ना। पहले तूने आते ही ना फालतू की बातें शुरू कर दी ना। आते तो क्या जाते हुए करनी थी? सर बातें तो बातें होती है क्या। वैसे एक और यार मोनी जी बताइएगा, ये नागिन का आप शूटिंग खत्म करके वापस कहाँ जाती हैं? घर जाती हैं या पिटारे में? तू शूट के बाद घर जाता है कि तबेले में? जॉन जी, आप हमको जरा बताइए कि आजकल ये काली मिर्च का क्या भाव चल रहा है? इनको क्या पता? नहीं, इन्होंने गरम मसाला किया है यार, इन्हें ही पता होगा, और किसको पता?
इन्हें तो यह भी पता होगा कि कॉफी का क्या भाव चल रहा है. अच्छा, उन्होंने मद्रास कैफे की इसलिए? नहीं नहीं यार, रोज कॉफी पीते हैं इसलिए. वैसे सर, आपका फिल्म धूम हमने देखा. आई रियली लव इट. लेकिन एक सजेशन था कि धूम में अगर आप हमें भी ले लेते ना तो और मजा आता. अगर तू धूम में होता तो धूम पिचक जाती. वैसे आप जो फिल्म शूट करते हैं वो कहाँ करते हैं उसका जानकारी हमको मिल जाता है भाई, सोशल मीडिया न्यूज व्यूज में पता चलता है कि फिल्म का शूटिंग कहाँ हो रहा है. लेकिन ये जो इंटरवल है उसका शूटिंग कहाँ होता है? अरे इंटरवल की शूटिंग नहीं होती पागल. अरे शूटिंग नहीं होता तो पिक्चर में आ कैसे जाता है? वो ब्रेक होता है. अच्छा, इंटरवल फिल्म का हिस्सा नहीं होता है? नहीं यार, तभी हम सोचे, हमने काफी पिक्चर देखा, सबका इंटरवल हमें एक जैसा क्यों लग रहा है? माय बैड सर, माय बैड, माय एलोपोजी. फालतू बातें बच्चा, तू जितनी मर्जी कर लेना, ढंग की बात कोई नहीं. परमाणु फिल्म देखी तूने इनकी? हाँ. अरे क्या काम किया इन्होंने? अरे हमने देखा सर, और उसका तैयारी तो ये अपना दोस्ताना के टाइम से कर रहे हैं. मतलब? मतलब के वहां देखिए, बम पे काम चल रहा था, जाके परमाणु में फूटा फाइनली. है कि नहीं सर? वैसे सर, आप जासूसी करते हैं, आई नीडेड सम हेल्प. क्या है कि हमें शक है कि हमारा जो एक साली है भूरी, वो हमारे घर में ना हमारी गैर मौजूदगी में किसी से मिलती है, कोई लड़का आता है मिलने. आई वॉन्ट टू नो हु दैट बॉय इज. कैन यू डू जासूसी फॉर मी? तो घर में सीसीटीवी लगवाना फिर. सोनी साहब, सुना आपने? यह सोनी टीवी के लिए काम करता है आदमी, लेकिन सीसीटीवी को प्रमोट कर रहा है. हम कोई सीसीटीवी नहीं लगवाएंगे, हम अपने घर में सिर्फ सोनी टीवी लगवाएंगे. कपूर शर्मा, सोनी टीवी जिंदाबाद. सीसीटीवी जो है घर की निगरानी के लिए होता है. हाँ. अरे उसके लिए तो हमारी दो आंखें ही काफी है यार. अभी कुछ दिनों पहले हमने अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ा. किसके साथ? हाँ? नहीं, किसी के साथ नहीं, होली का दिन था, उसके हाथ पे रंग लगा था, हमने रंगे हाथों पकड़ लिया. सर ऐसे ही सर हंसी मजाक के लिए बातें बोल देते, मजा आता है सर. हाँ. वैसे सर हमारे पास ना एवरीबॉडी नोज एक जॉक्स का पिटारा है. जॉक्स का पिटारा. सर सुना है आपको? हाँ. अरे, सुना है? अरे, यस, यस. अच्छा ठीक है, रेडी? रेडी. तो देखिए, मोनी जी जो है ना. हाँ. उनके पास एक कुछ प्रोडक्ट है 11 रुपए का, आपको खरीदना है. ठीक है, आप वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उन्हें 20 रुपए देते हैं, तो आपको क्या वापस देती हैं? 9 रुपए. नहीं, वो आपको 10 देती हैं. और मोनी आप अगर डसते हैं तो खाली कप्पू शर्मा को डसिएगा, जॉन जी को नहीं. क्यों? क्योंकि उन्हें जॉन डस हो जाएगा. एक एक और एक और एक और. नदी जो है ना, नदी वो आवाज करती है लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता, बताइए क्यों? आई नो, बह रही है. आपकी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया. मोनी को प्राइज. चलिए सर, हम चलते हैं सर. नाइस मीटिंग. ओके, बाय बाय मोनी जी. चलिए, सी यू गाइस. एक बार जॉन और मोनी के लिए जोरदार तालियां. आइए सर, आप दोनों हमारे शो में आए, बहुत अच्छा लगा. और आपको आपकी आने वाली तमाम फ्यूचर जितने भी प्रोजेक्शंस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू गाइस. थैंक यू सो मच. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.